Ionic bond, as all of you are saying, I'm just revising the ionic bond. Ionic bond we had discussed, that is the transferring of the electrons, like transferring like ions, exchange like ions जो हैं वो बनते हैं, ions formation है, electrons जो होते हैं वो exchange होते हैं, ठीक है, transferring of electron. हमारे पास दूसरा bond होता है covalent bond, वो हमारा नहीं है, वो next chapter में. इसमें आपको question आता होता है, if you will see the assignment of this metal and non-metal that is given to you, when you will see that assignment, in that assignment again the question was there. चलो मैं ये एक बार ionic bond करवा के I will tell you the question from there. असाइनमेंट में से करते यहाँ पे आपको क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन आते होते थे कि फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ द शो द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. प्लीज लिसन, अब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बनाओ आप बोलो, सोडियम क्लोराइड, सिंपल है, कोई और बोलो, सोडियम ऑक्साइड. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, बट वी हैव टू डू, सोडियम का सिंबल लिखा, राइट, ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इसका 8, 2, 8, 1. ये पहले तो हमें ये सारे स्टेप लिखने होते थे, बट नाउ द एमसीक्यूज आर देयर, बट व्हाई आई एम राइटिंग, मैं अभी आपको आपकी असाइनमेंट वाला क्वेश्चन भी बताती हूँ कि व्हाई आई एम राइटिंग, बिकॉज इन असाइनमेंट बट आई हैड रिटन, हमने वहां पे ये दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए, एंड आफ्टर दैट आई आस्क यू व्हिच फार्मूला इज फ्रेम. यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेम दिस, वहां पे है विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज व्हिच फार्मूला इज फॉर्म, ठीक है. अब यहाँ पे है 2, 8, 1, 2, 6, हाउ मेनी इट इज हैविंग इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, दैट मींस इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास वैलेंस पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी इट नीड, सोडियम इज हैविंग, क्या होगा अगर ये अपना डे भी देगा तब भी कोई फायदा नहीं, तो बट इट विल से ब्रिंग 2 सोडियम विद मी, ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम रिएक्ट कर जाते, ये भी इसको दे देगा. जब इस सोडियम ने दिया, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैं यहां लिख रही हूं, नजर आ रहा है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कैसे 2, 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो यू विल पुट लाइक दिस, कितने सोडियम ने पार्टिसिपेट करा, 2, ठीक है जी. अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने आए, फार्मूला कैसे बनता है, ये इसके बार में, ये इसके, यानी कि एन ए, ये यहां आ गया 2 ओ, आया नहीं आया, एक और करते हैं, और बोलो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते, चलो समझ आ जाए तब कहना, नहीं आएगा आई विल अगेन रिपीट इट, नो इश्यू. मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम 12, 17, 2, 8, 2, 2, 8, 7. Mg के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बच्चे यहाँ पे 2 था ना, दैट्स व्हाई 2. क्लोरीन, राइट, हाउ मेनी क्लोरीन, 1 इट्स रिक्वायर्ड. इसके पास कितने हैं, ये कहेगा भैया मैं एक तेरे को देके फिर वैसे ही रह जाऊं, आई विल नॉट गिव, सो शेयरिंग नहीं, सो ब्रिंग 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज की, ये वाला मैं यहां लिखती हूं, ऑक्सीजन ने, ओ सॉरी, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया,
लेकिन कितने क्लोरीन थे वो इसके आगे आया, वो यहां नहीं आना, ठीक है। अब या ये इसके पैर में, ये इसके एम जी, ये टू कोई मैटर नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, क्लियर है। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सीए, ऑक्सीजन 28 2 8 8 2, हाउ मेनी आर वैलेंस टू, ऑक्सीजन में दोनों ही इसको दे देगा, ये बन जाएगा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैंसल फॉर्मूलाइज, ठीक है, पक्का। अब है इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज को लर्न रखने के लिए ना वेरी सिंपल मेथड आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कोई एनीथिंग दैट इज इन योर माइंड कि आयोनिक बॉन्ड का कोई कंपाउंड आपको पता हो, अभी हमने बनाए हैं जैसे सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, ये अपने माइंड में रखो, ठीक है, NaCl। अब NaCl नमक, राइट, उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, पहले क्या है, दैट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्यों सॉलिड और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन दम, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब नमक दैट इज सोल्यूबल इन वॉटर और नॉट, तो उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी, दीज आर सोल्यूबल इन वॉटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिनके बीच में कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। जिसमें आपके पास दो एग्जाम्पल अपने माइंड में हमेशा याद रखो ऑर्गेनिक के, एल्कोहल एंड ग्लूकोज, उनके बीच में ये डिजोल्व नहीं होता। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, इट इज, इट कैन डिजोल्व इन अ वॉटर, दैट मीन सोल्यूबिलिटी इन वॉटर इज डन, होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, चलो थर्ड प्रॉपर्टी आयन्स है, अगर हम बात कर रहे हैं डिजोल्व इन वॉटर, वेन इट डिजोल्व इन वॉटर इट रिलीजेज इट्स आयन्स, वेन वी विल डिजोल्व, वेन वी विल मेक द इक्वल सोल्यूशन, बट इट विल रिलीज आयन्स, तो वेन द फ्री आयन्स आर देयर देन वट इज पॉसिबल, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So the third property is these are good conductor of electricity due to the presence of the free ions when it is dipped into the water. समझ आ गया? नमक को याद रख के सारी properties आपको वही करवा रही हूँ। पहली crystalline structure, solid and crystalline structure. Second solubility. Third conductivity. ठीक है? Fourth is अब जब इनके बीच में मतलब ions हैं या strong force of attraction है, अगर हम structure की बात कर रहे हैं कि these are having a strong force of attraction because of exchange of the ions. अब जिसके बीच में strong force of attraction है, that means more energy is required to break that bond. That means these are having a high melting and boiling. These are the four properties. Is it okay? Is it okay, बच्चे? Online students, is it okay, बेटा? Any doubt? Then you can ask. मैंने कोई क्रैम नहीं करवाया, आई एम नॉट टेलिंग यू टू क्रैम, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड द बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू गिव, टेक वन एग्जांपल इन योर माइंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट यू आर सीइंग इन दैट सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सॉलिड क्यों है, क्योंकि बॉन्ड्स टाइट है, इफ द टाइट बॉन्ड्स आर देयर देन इट मींस द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, इफ मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड दैट मींस दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड सॉलिड सॉल्ट है, इट इज सोल्यूबल इन वॉटर, इनसोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी हो गया, सोल्यूबल है जब घुल गया, आयन्स रिलीज करेगा। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्शन, दैट इज कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयन्स, दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। एनी डाउट टू एनी वन? पक्का आपको बच्चे? फिर मैं केस स्टडी एक डिस्कस कर लू। नो रिप्लाई, सबको ठीक है?
बोल ही नहीं यस मैम चलो यस मैम केस स्टडी कर ले एक चलिए स्टार्ट विद द केस स्टडी राइट डाउन लिखनी है लिख लो नहीं लिखोगे आई विल सेंड बट मुझे तो लिखनी पड़ेगी ना बिकॉज आई हैव टू डिस्कस विद देम आल्सो लिख लोगे तो बेटर है लिख लो बच्चे मैं भी लिख ही रही हूँ रिएक्शन ठीक है बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन रिएक्टेंट्स ब्रेक कभी नहीं हाँ जी बेटे बस एक लाइन और है अब मैं आगे ना नाम नहीं लिख रही सच एज कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन विजिबिलिटी कॉम्बिनेशन ठीक है मैं एक लिख देती हूँ सारी रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन देन डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स ठीक है जी ओके अब मैं क्वेश्चन इस पे पूछती हूँ पैरा लिख लो हाँ किसके कहाँ भी इनफैक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट ब्रेक आप ना ऐसे करो पैरा लिख लो क्वेश्चंस लिख लेना एमसीक्यू मत लिखना आंसर अकेले लिख लेना फॉर बिकॉज एज वी आर डूइंग प्रैक्टिस
तो माइट भी ये पैराग्राफ दोबारा मैं ना रिवाइज कराऊ, एटलीस्ट यू आर हैविंग द नंबर ऑफ द पैराग्राफ फॉर द फाइनल एग्जाम, इट विल हेल्प, और अदरवाइज आई विल ट्राई टू सेंड इट, कोशिश करूंगी कि भेज. ठीक है जी, बोलो क्वेश्चन बच्चे, हो गया, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. अब मैं लिखने लगी हूँ, फॉलोइंग रिएक्शन है यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, आई एम राइटिंग इट हियर, रिएक्शन लिख रही हूँ, ये इरेज कर दो, ऑल ऑफ यू हैज रिटन ना, ओके, इक्वेशन है KClO3, लाइक आई एम राइटिंग कि ये रिएक्शन हो रही है, चलो ये रिएक्शन है. पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, रिएक्शन इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शंस आई एम गोइंग टू डिक्टेट, बोल रही हूँ आप सिर्फ आंसर वाला लिख लेना, ठीक है, सुन लो. पहली ऑप्शन है, इट इज आपको क्या नजर आ रहा है, बट इज इन योर माइंड कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, इट इज अ डीकम्पोजिशन, पहला तो हमारे माइंड में ये आ रहा है, इट इज अ डीकम्पोजिशन. ऊपर मैंने क्या डाल लिखा है, एरो पे हीट, हीट वाली कौन सी थी, थर्मल, दो चीजें हमारे माइंड में आ गई. अब क्वेश्चन सुन लो, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक हीट इज गिवन, एक्सो हीट इज आउट. सेकेंड ऑप्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो गलत है. थर्ड है, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट. फोर्थ है, मुझे आ गया मोटे का पांडा थी, फोर्थ है आपके पास, देखो फायदा आ गया मोटे का पांडा, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, इट इज द फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आप मुझे बताओ व्हाट इज योर आंसर, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड हीट इज, लाइक हीट इज गिवन है तो ये कौन सी हुई, एक्सो के एंडो, एंडो, तो हमारी ऑप्शन क्या हुई, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक. क्लियर है पुत्र टू एवरीवन, सेकेंड क्वेश्चन बोलू, सेकेंड इज विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अबाउट केमिकल रिएक्शन. अब मैं प्रोसेसेस बोल रही हूं, मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछा आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जो मैं बोलने लगी हूँ इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है. पहला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, नो दैट वी आर स्टोरिंग इट. Then the second is liquefaction of air. Third is keeping petrol in a china dish in the open. Fourth is heating copper wire in the presence of air at a high temperature. Fourth one. अब आपको एक चीज अजीब नहीं लग रही कि इस पैराग्राफ में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, why I am discussing the case study. This is just the description of the chapter. It is not like exactly not like the comprehension कि वहाँ पे given है उसमें से answer लिखो, नहीं, you are able to write the answer if you know the concept. That's why I am discussing the case study here in the class. ठीक है जी, यानी कि हमें क्या concept पता है वो है, paragraph is not like that. Okay, fourth option थी हमारी कि copper जो है naturally किसी की presence में when it burns two things two elements combine then it is a chemical reaction. थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में रिएक्शंस है वो मैं लिखती हूँ, आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट.
यानी कि चैप्टर पढ़ा होगा तब। देखो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन में से एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस वाले। अब ये है यहाँ पे मैं ना एब्रीवेशन लिख रही हूँ, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही। ओके यही करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गैशियस फॉर्म एंड द लिक्विड इज फॉर्म। ओके तो दिस इज ओके। अब आपको पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, चार इक्वेशंस गिवन होंगी, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट इन द बैलेंसिंग। नेचुरली द एमसीक्यूज आर देयर, तो ये नहीं है कि यू विल जस्ट पुट टिक ऑन दैट, मतलब आप बैलेंसिंग करके दोगे। ये चार इक्वेशन में मैंने लिख दी, चार इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी हुई है, ठीक है। यू हैव मतलब वी कैन आस्क फाइंड आउट द इनकरेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट, तो आपने वो बैलेंसिंग चारों की करनी पड़ेगी। सो बी क्विक, इट्स नॉट लाइक दैट कि एकदम एमसीक्यू तो आप ऐसे कर लो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैं बोलती हूँ वैसे ही बता देना, कॉम्बिनेशन। ऋषित भाई वेट अ वाइल बच्चे, एक सेकेंड। फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन, पोटासियम क्लोरेट ऊपर वाली ही जो हमने लिखी थी, इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वॉटर, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड इज एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड आयरन। क्या है ऑप्शन? बच्चे मैंने आपको बोला, एक मिनट ध्यान से सुनो, आई टोल्ड पहली है पोटेशियम क्लोरेट, दूसरी है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी है फोर्थ है विच वन? फोर्थ है ना, मैंने आपको जान के नहीं अभी अगला स्टेप बोल रही, जस्ट टू चेक इट आउट। मैं आपको 1 2 3 4 नहीं बोल रही, जस्ट टू सी कि आपको क्या आ रहा है। ये देखो हमने कॉम्बिनेशन में क्या करा था, टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दोनों में सिंगल प्रोडक्ट है, दोनों में टू थिंग्स कंबाइन कर रही, ये एलिमेंट के साथ है, ये कंपाउंड है। तो बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आपको ऑप्शन गिवन होगी 2 3 करके या 1 3 करके, तो यू हैव टू राइट डाउन Both 2 and 3 is correct. Next question है जी, एक मिनट बेटा, हाँ जी। Electrolysis of water is decomposition reaction. Water break down by passing electric current H2+O2. Okay. The mole ratio of the hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, ध्यान देना बोला क्या वर्ड गया, वर्ड क्या बोला गया है वो ध्यान देना, ऑफ वॉटर इज,
बोला आपने सही है, मैंने ये कहा इसलिए बोल रहा है 2:1 की रेशो में ना, है ना, वो ध्यान देना कि कहीं उन्होंने हाइड्रोजन पहले पूछा या ऑक्सीजन, ऐसा तो कुछ नहीं है नेचुरली इसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो एक्वारिजिया जैसे हमने करा तो उसमें वी कैन आस्क यू द रेशियो ऑफ द एक्वारिजिया ऑफ द लाइक HCl एंड HNO3 इज 3:1, 1:3 क्या है, HCl कितना लेना है, HCl ज्यादा नाइट्रिक एसिड कम, तो ये जरूर ध्यान रखना व्हाट दे आर आस्किंग, सो दीस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल कम, बट ऑल ऑफ यू हैड सीन कि पैराग्राफ में से कुछ नहीं था, दैट इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट चैप्टर, आपको खुद फाइंड आउट करना है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू नो कि कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ मतलब आपको उस क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है बेटे। हाँ जी ऋषभ, आपने पूछा था कुछ?